बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल फूड ब्लॉग सांगर। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चाइनीज़ नूडल्स की रेसिपी। नूडल्स तो हम बहुत बनाते हैं, पानी में उबाल के नूडल्स बनाना तो क्या बनाना, बनाएं तो आप ऐसे बनाएं मसाले वाली मज़ेदार सी नूडल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रेसिपी। 2 अदद मैंने नूडल्स ले लिए हैं, बड़े पैकेट लिए हैं मैंने। आप यहाँ पे मैंने ले लिए नमक हसबे जायका, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, और ब्लैक पेपर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, और मैंने साथ में लिया है नूडल्स का मसाला जो पैकेट इसके अंदर होता है, और चाइनीज़ नमक लिया है साथ में हमने ले लिए। कैबेज लिए हमने 1 अदद, हमने 1/2 कैबेज ली थी उसको चॉप कर लिया है, 1 अदद शिमला मिर्च ली थी उसको भी चॉप कर लिया, 1 अदद प्याज दी हमने उसको भी चॉप कर लिया, गाजर ली हमने 1 अदद उसको भी चॉप कर लिया। साथ में हमने लिए हैं चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर। अब हम पानी में सबसे पहले नूडल्स को बॉईल कर लेते हैं। ये देखिए नूडल्स बॉईल हो चुकी हैं हमारी। अब हम इसको साइड में रख देंगे और एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून हम ऑयल ऐड करेंगे, और जो हमने प्याज चॉप की है उसको हम शामिल कर देंगे, और हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमने इसको, हल्का सा बस थोड़ा सा नरम करना है। और साथ ही इसके हम ऐड कर देंगे इसमें गाजर, उसको भी हम 2 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। 2 मिनट्स कुक करने के बाद उसमें आप शामिल कर दें शिमला मिर्च और कैबेज शामिल कर दें आप, बंद गोभी, और साथ ही इसमें जो सारे मसाले हैं वो शामिल कर दें। अगर आपकी चॉइस है तो आप चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। मैंने लिया है थोड़ा 1/2 टीस्पून के करीब। अब मैं इसमें विनेगर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, और चिली सॉस 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, और सोया सॉस 1 टेबलस्पून। सारे मसाले ऐड करने के बाद 2 मिनट्स के लिए कुक कर लें। कुक करने के बाद आप इसमें शामिल कर दें जो आपने नूडल्स बॉयल करके रखी हैं वो शामिल कर दें, और 2 मिनट्स के लिए इसको इस मसाले में आप कुक करें, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि नूडल्स चारों तरफ से अच्छे से इसमें रच बस जाए। और इतनी मज़े की देखिए हमारी ये नूडल्स तैयार हो रही हैं, मसालेदार चाइनीज़ नूडल्स तैयार हो रही हैं। तो अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। कितनी मज़े की और डिलीशियस लग रही है आज की हमारी मसालेदार चाइनीज़ नूडल्स की रेसिपी। बच्चों और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करना मेरी रेसिपी से। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इन्जॉय करें ये मज़ेदार सी मसालेदार नूडल्स रेसिपी, और बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।